मैंने वादा किया है सृष्टि मासी से कि जैसे वो लड़का ढूंढ लेंगी मैं उससे शादी करके इस घर से चली जाऊंगी। मेरा यकीन मानिए, आप दोनों के बीच आने का कोई इरादा नहीं है मेरा। मैं तुम्हारा यकीन करना चाहती हूँ झलक कि तुम सच बोल रही हो। झनक, काश हम अलग हालातों में मिले होते तो शायद आज हमारे बीच का ये रिश्ता भी अलग होता। खैर, अच्छा झनक, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें ठंडाई पीने के लिए किसी ने मजबूर किया था। किसने किया था? अर्शी दीदी, मैं अब इस बारे में बात नहीं करना चाहती और मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती हूँ। झनक, तुम मुझे बता सकती हो? नहीं बता सकती हूँ अर्शी दीदी, सबूत तक तो नहीं है मेरे पास, तो क्या ही बोलूंगी। और ऐसे में किसी का नाम भी ले लिया तो फिर लोग कहेंगे दूसरों का नाम लेकर पीठ पीछे बुराई करती है उनकी, और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। Okay, as you wish. सृष्टि मुखर्जी जो बोलती है ना वो करके दिखाती है। क्या बात कर रही है आंटी? आंटी, वो जो भी है वो हमेशा हमेशा के लिए झनक को लेकर चला जाएगा ना। पेशेंस रखो विपाशा, शाम को सब पता चल जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी से जाती हूँ, सब कुछ अरेंज करती हूँ। बुरी बला जितनी जल्दी टल जाए उतना ही अच्छा है। घर में सबको ये खुशखबरी दे देना। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी जाती हूँ। आंटी, अनी को पता है? अभी तक तो नहीं, लेकिन अर्शी बता देगी उसे। ओके, सी यू आंटी, बाय। झनक, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। शादी करने से पहले लड़के से बात करो, सोचो समझो और ये जानो कि वो कौन है, कैसा है, क्या सोचता है। नहीं, मुझे नहीं है इंटरेस्ट जानने में। लड़का कौन है? कश्मीर से ही है, भरत मामा से मैंने बात की थी, बहुत मनाना पड़ा उन्हें। सृष्टि, तुम वही कर रही हो जो मैंने तुम्हें करने के लिए मना किया था। और ऐसा मैं क्यों ना करूं? मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा ये शादी रोकने में, समझ गई तुम? चलता हूं मैं। And I hope जो तुम्हें देखने आए उसे तुम पसंद आओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। Star Plus के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें Star Plus YouTube पेज को।